हेलो गाइस, तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम लोगों ने बताया हुआ है कि 30 मिनट में आप किस तरीके से 300 शॉर्ट्स बना सकते हैं। जी हाँ, यूट्यूब शॉर्ट। जैसे कि आपने देखा होगा कि अब यूट्यूब जो है लॉन्ग वीडियो के कंपैरिजन में ये शॉर्ट वीडियो होते हैं उनको ज्यादा प्रमोट करता है। तो अगर आप यहाँ पर यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं, वहाँ पर शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर भी आपके बहुत ज्यादा बढ़ते हैं और आपका जो रेवेन्यू है वो भी यहाँ पर अच्छे से बढ़ता है, क्योंकि जो हमारे शॉर्ट्स होते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स हैं वो भी हमारे मोनेटाइज हो चुके हैं। ठीक है, और देख सकते हैं कि मैं एक ऐसा चैनल आपको बताने वाला हूँ जिसमें केवल शॉर्ट्स वीडियो अपलोडेड है और यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका जो रेवेन्यू है 1.4K डॉलर से लेकर 22K डॉलर है। जहां तक कि मैं एक खुद यूट्यूबर हूं तो मैं यहां पर बता सकता हूं कि इसकी जो अर्निंग होगी वो लगभग 15,000 डॉलर होगी, और जो कि इसने शॉर्ट्स बना के ही अपलोड किया हुआ है। ठीक है, शॉर्ट्स बना के ही अपलोड किया हुआ, और उस तरीके के शॉर्ट जो कि यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे वो आप किस तरीके से यहां पर 30 मिनट में 300 शॉर्ट्स बना सकते हैं। हम लोग AI टूल्स का यूज करेंगे, कैनवा का यूज करेंगे, और यहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किस तरीके से यहां पर उस तरीके के शॉर्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहां पर थोड़ा सा टाइम निकाल के यहाँ पर 300 या 600 शॉर्ट्स बना लीजिएगा और एक बार में वो सारे के सारे अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, धीरे धीरे वो ग्रो होता रहेगा और आपका जो रेवेन्यू है वो भी बनता जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस, मैं हूं हमित राजपूत, आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम लोग किस तरीके से ChatGPT का यूज करेंगे, किस तरीके से AI टूल्स का यूज करेंगे, जिससे कि हम लोग कम समय में बहुत सारे शॉर्ट्स बना सकें और उनको अपने YouTube चैनल पर अपलोड करके रेवेन्यू या अर्निंग कर सके हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये जो चैनल का नाम है वो है डेली फैक्ट्स वर्थ। ठीक है, अब चलिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ यूट्यूब पर। यूट्यूब पर मैंने ओपन किया डेली फैक्ट्स वर्थ, देख सकते हैं कि इसके 397K सब्सक्राइबर हैं, 3,97,000 सब्सक्राइबर हैं, 4.7K वीडियोज इसने अपलोड किए हुए हैं, और इसके जो वीडियोज हैं देख सकते हैं कि केवल शॉर्ट्स वीडियोज हैं, फैक्ट के वीडियो हैं। ठीक है, मतलब कि लव फैक्ट है, डीप फैक्ट है, ये फैक्ट है, साइकोलॉजिकल, ये इसमें वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। इस तरीके के जो वीडियोज हैं आप यहाँ पर मिनटों में बना सकते हैं। ठीक है, मतलब कि बल्क में एक बार बना दीजिएगा और उसको शेड्यूल कर दीजिएगा। ठीक है, देख सकते हैं कि इसी का हम लोगों ने देखा है कि इसका जो रेवेन्यू है, देख सकते हैं कि इसका रेवेन्यू कितना है, लगभग यहाँ पर 15,000K डॉलर। अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं INR में, तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, डॉलर टू INR कैलकुलेट कन्वर्टर ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कर लेता हूँ 15,000 यूनाइटेड स्टेट, तो कितना हो गया, 21,000, 10,000, 10,000, 12,54,170 रुपये यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी यहाँ पर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इतना ये बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है दोस्तों, और एज कम्पेयर टू में यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं बिना स्किप किए हुए, तो आपको कंप्लीट प्रोसेस आपके माइंड में हो जाएगा, आप बना पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के वीडियो हैं। अब चलिए दूसरा कैटेगरी को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि कोई तैयारी कराता है, जैसे ये दिया हुआ है, वह कौन सी चीज़ है जो बोलने से टूट जाती है। ठीक है, तो ये तरीका दिया हुआ है। तो जैसे देखिए इसके 90K व्यूज हैं, इसके 14K व्यूज हैं, इसके 12K व्यूज हैं, इस तरीके के आप बना सकते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट्स बनाना बताऊंगा। ठीक है, और आप किसी भी तरीके का इस तरीके का जो शॉर्ट्स है उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो रिडल वेल्स है, और यहाँ पर देखते हैं कि इस तरीके का रिडल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, आई एम कवर्ड विद आईज बट आई कांट सी एंड आई लिव मोस्टली इन द डार्क, व्हाट एम आई। ठीक है, जैसे कि मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से लिख के आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों क्या है कि यहाँ पर लोग अगर इसको पढ़ते हैं वो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं जब तक इसका आंसर नहीं आ जाता, जब तक वो इस वीडियो को देखते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं कि इसका एंगेजमेंट भी काफ़ी है, लाइक्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लोग अगर इसमें इंगेज भी करते हैं। तो इस तरीके के देख सकते हैं कि ये बहुत सारे इसने बना के रखे हुए हैं, ऑलमोस्ट 131 वीडियोस बनाए हुए हैं, केवल और केवल 131 शॉर्ट्स में इसके 18.8K यहाँ पर देख सकते हैं सब्सक्राइबर आ चुके हैं, और देख सकते हैं कोई भी लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं किया है। ठीक है, केवल और केवल शॉर्ट्स वीडियो से ही इसने इतना किया हुआ है। अगर इसका हम लोग यहाँ पर रेवेन्यू देखें रिडल वेल्स का, तो देख सकते हैं कि केवल यहाँ पर 131 वीडियोज़ हैं जो कि आप एक बार में बना सकते हैं। ठीक है, इसका हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, ये मैंने सर्च किया, और इसका जो रेवेन्यू है देख सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा, यह आ चुका है रिडल बैलेंस। तो इसका है 56 डॉलर से 891 डॉलर, तो इसका लगभग हर महीने का यहाँ पर 500 डॉलर के लगभग इसका रेवेन्यू बनता होगा। तो 1540 लगभग यहाँ पर 40,000 के अप्रॉक्सीमेट इसका बनता होगा। ठीक है, और जबकि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 131 वीडियोज़, तो आप एक बार में इस तरीके के जो वीडियो हैं वो आप एक बार में बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा कैसे बनाना है। ठीक है, और ये नेक्स्ट चैनल है, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे इस तरीके के तो बहुत सारे आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे। जैसे कि एक ये वाला शॉर्ट्स दिया हुआ, ये एक न्यू चैनल है। ठीक है, ये दिया हुआ, इसमें देख सकते हैं कि 16.2K इसके सब्सक्राइबर हैं, 102 इसने वीडियोस बनाए हुए हैं। और शॉर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर पॉपुलर में देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.1 मिलियन व्यूज हैं, 289K व्यूज हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर
बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। 36K लाइक्स हैं, 1611 यहाँ पर दिए हुए हैं कमेंट, तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो हमारे माइंड में कंफर्म हो चुका है कि इस तरीके के जो शॉर्ट्स हैं वो काम करते हैं, और इससे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर आपके बहुत जल्दी ग्रो करेंगे कम वीडियोस में, और इसको बनाने में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो एक तो हम लोगों ने समझ लिया है, यहाँ पर अर्निंग देख लिया है, किस तरीके के जो शॉर्ट्स हैं वो अच्छे से काम करते हैं। अब चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले आपके पास स्क्रिप्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर रिडल वीडियोज़ बनाना चाहता हूँ, जिस तरीके से मैं यहाँ पर रिडल्स बनाऊंगा उसी तरीके से आप यहाँ पर गर्ल्स फैक्ट के बना सकते हैं, साइकोलॉजी फैक्ट बना सकते हैं, मेल फैक्ट बना सकते हैं, जिस तरीके का बनाना चाहते हैं, जिस तरीके की कैटेगरी का आप चैनल बनाना चाहते हैं उस तरीके के आप बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे, ChatGPT का। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ ChatGPT के पास में, ठीक है। आप यहाँ पर सर्च करेंगे chat.openai.com, तो यहाँ पर खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लिखेंगे ChatGPT को, आप यहाँ पर कमांड देंगे, तो अभी मैं सिंपल कमांड दे देता हूँ, जैसे कि काइंडली राइट मी 10 रिडल्स फॉर माई यूट्यूब शॉर्ट्स, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल कमांड हो गया, सिंपल प्रॉम्प्ट दे दिया, तो इसमें से हो सकता है कि वो इस तरीके से बना देता है, ठीक है। लेकिन हमको किस तरीके से चाहिए, हमको चाहिए कि पहले क्या हो कि देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि हमको चाहिए कि पहले क्या हो कि यहाँ पर लिखा हो गस फैक्ट लिखा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर लिखा हो रिडल्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ रिडल्स लिखा हुआ है, फिर मुझे चाहिए बॉडी, फिर मुझे चाहिए उसके को 3 ऑप्शन चाहिए, फिर आंसर चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इसका जो प्रॉपर प्रॉम्प्ट है उसको मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेम आपको प्रॉम्प्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप क्या कीजिएगा इसका, इस वीडियो में मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको सेम लिखना है, ठीक है। और ये मैंने सेंड कर दिया, सेंड कर दिया दोस्तों, देख सकते हैं कि ये मेरा जो प्रॉम्प्ट है ये मैंने लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है, एज ए रिनाउंड रिडल एक्सपर्ट्स योर टास्क इज टू क्रिएट 5 इंटरेस्टिंग क्विक रिडल्स फॉर योर ऑडियंस टू सॉल्व, द रिडल्स शुड बी इजी इनफ टू एंगेज एंड एंटरटेन द पार्टिसिपेंट्स, ईच रिडल शुड हैव 3 ऑप्शंस, ठीक है, 3 ऑप्शंस, और किस तरीके से है तो वो भी मैंने यहाँ पर बता दिया है, ताकि वो इसी तरीके से बनाए। देख सकते हैं दोस्तों कि उसने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है, पहला बना दिया है यहाँ पर, ठीक है, फिर ये दूसरा बनाया है, फिर ये तीसरा बना दिया, फिर ये चौथा बना दिया, फिर 5 बना दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये बनाए वो टेबल में, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूज ए टेबल, तो यूज ए टेबल मैंने कमांड दिया, तो अब ये क्या करेगा कि अब ये टेबल में बना के दे देगा। देख सकते हैं कि अभी इसने टेबल में बना के दे दिया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बना दिया है। अब मुझे क्या करना है कि क्रिएट 300, मैं 300 बनाना चाहता हूँ, या फिर 100 बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा 100 का डाल दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्रिएट 100 रिडल्स लाइक दिस इन द टेबल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ऐसे ही 100 रिडल्स और बना दो, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, क्रिएटिंग 100 रिडल्स इन द टेबल फॉर्मेट वुड मेक फॉर एन एक्सटेंसिव लिस्ट, बट हियर इज सैंपल ऑफ 10 रिडल्स, ठीक है। तो ये एक बार में 10 रिडल्स बनाएगा, मतलब 10 बनाएगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको लिखते जाना है गो अहेड, या फिर कंटिन्यू, इस तरीके से आप लिखेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर 10 बना दिए, वो 10 और बना के दे देगा, फिर 10 और बना के दे देगा, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखते जाना है, जब तक कि आपको जितने बनाना है उतने होने जाए। देख सकते हैं कि अब 20 रिडल्स हो गया। अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू और कर देता हूँ, कंटिन्यू, तो मैंने और लिख दिया है, तो ये क्या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 21 बनाने लग गया है। इस तरीके से जब तक कि आपके 300 या 600 जितने भी आप शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं उनका ये क्या है, स्क्रिप्ट बनना चालू हो गया है, ठीक है। देख सकते हैं कि अब 30 हो चुके हैं। अब चलिए दोस्तों, ये 30 हो चुके हैं, इसी तरीके से मैंने बताया 30 का, इसी तरीके से आप 300 के भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक एक्सेल शीट में लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक्सेल शीट को ओपन किया हुआ है, और ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि जैसे देख सकते हैं कि मैंने पहले क्रिएट किया हुआ था, तो इस तरीके से एक्सेल शीट बनाया हुआ था। अब मैं आपको शुरुआत से बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने ये ओपन किया, एक नया इसका एक्सेल शीट है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं गया और ऊपर जाऊँगा, तो यहाँ पर आप दो तरीके से कॉपी कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन आता है, लेकिन अगर आप यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, जैसे कि ये दिख गया, यहाँ से कॉपी करेंगे और आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से लिखेगा, मतलब अच्छा फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस तरीके से कॉपी नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे कॉपी करूँगा, इसको ऐसे कॉपी, ये मैंने कॉपी कर लिया ऐसे, ठीक है, मतलब कि माउस से ऐसे कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा, फिर यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दूँगा। सो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमारा जो प्रॉपर है वो बन के आ चुका है। अब इस तरीके से आप यहाँ पर इसको थोड़ा स्पेस दे दीजिएगा और अपना हिसाब से यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मैंने ऐसे कर दिया है और ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। इनका जो हाइट है, हाइट वगैरह वो भी आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं गया, जैसे कि इसका हाइट कितना है मैं वो यहाँ पर देख लेता हूँ। हाइट है इसका कंट्रोल जेड हाइट, तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे, इसका
हाइट चेक करूंगा, रो हाइट। तो यहाँ पर मैंने चेक किया, इसका बार चेक करना है तो मैं रो हाइट पर क्लिक करूंगा, ये 83.4 है, ठीक है। तो मैं 83 कर देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, मैं सबको सिलेक्ट कर लूंगा। सो गाइस देख सकते हैं कि मैंने सभी का रो का जो हाइट है वो एक साथ कर दिया है, ठीक है। अब मैं फिर से यहाँ पर जाऊंगा चैट जीपीटी पर। सो गाइस मैं यहाँ से ले लेता हूँ क्योंकि इसमें रिडल्स वन दिया हुआ, तो मैं यहाँ पर टाइटल पर जाऊंगा। टाइटल से मैंने यहाँ पर 10 रिडल्स ये कॉपी कर लिया मैंने, और मैं यहाँ पर गया सिंपल सा और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से हो चुका है। अब मैं यहाँ पर दोस्तों और नीचे जाऊंगा, फिर यहाँ से जाऊंगा और यहाँ पर रिडल 11 से मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा और यहाँ से पूरा ये कर लूंगा, कॉपी करूंगा और यहाँ पर जाके मैं इधर पे करके कंट्रोल भी कर दूंगा, तो रिडल 11 आ गया, ठीक है। अब ये रिडल 20 तक हो चुका है। अब मैं यहाँ पर 21 से मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा, रिडल 21 मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पर आ चुका। इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जाऊंगा, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने रिडल 30 तक यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया है प्रॉपर टेबल में, ठीक है। इस तरीके से आपको टेबल में कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इसका जो टाइटल दिया हुआ है, टाइटल है, ये हुक है, ये बॉडी है, ये 1 2 3 और ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है, हमारे पास जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है। इस तरीके से आप एडजस्ट करना चाहते हैं इसको तो एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे यहाँ पर कैनवा पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि मैं आ चुका हूँ यहाँ पर कैनवा पर। सो गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ कैनवा पर, ठीक है। आपको इस वीडियो के में आपको canva.com का लिंक मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको क्रिएट ए डिजाइन पर आपको क्लिक कर देना है। सो गाइस यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है यूट्यूब शॉर्ट्स, ठीक है। तो यूट्यूब शॉर्ट्स पर मैंने क्लिक कर दिया है, तो जो भी आपका साइज है, वर्टिकल साइज होता है हमारे शॉर्ट का, तो ये आ चुका है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, आपको बनाने हैं कुछ इस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आए हम लोग और यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से है, ये वाला दिया हुआ है, जैसे कि बैकग्राउंड में एक दिया हुआ है हमारा, बैकग्राउंड मोशन वाला लेना है या फिर आप सिंपल सा जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ, तो बैकग्राउंड में कुछ है नहीं, केवल एक कलर लगा हुआ है या एक इमेज लगा हुआ है, तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में एक आपका बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है और बैकग्राउंड इमेज लगा हुआ है, तो कुछ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एलिमेंट पर जाकर यहाँ पर आपको सर्च करना है। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड में आपका ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं बैकग्राउंड मोशन ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि बैकग्राउंड मोशन हो गया, तो मोशन बैकग्राउंड, और यहाँ पर वीडियो क्लिप पर जाएंगे और ये आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्टिकल, जिससे कि हमको यहाँ पर वर्टिकल वाला मिल जाए, जैसे कि ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है, ये लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, ठीक है। और या फिर दे सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ये सनसेट टाइप के दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो सनसेट, तो यहाँ पर सनसेट बैकग्राउंड वर्टिकल, ठीक है। तो इस तरीके से मैं सर्च किया यहाँ पर, तो देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर आ चुके हैं। तो जैसे कि ये दिया हुआ है, ठीक है। वीडियो पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये दिया हुआ है, तो मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये क्या है, एक वीडियो है, बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके से वीडियो है वो चलता रहेगा, तो मैं इसको अपने पूरे बैकग्राउंड में यहाँ पर लगा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि अब मुझे यहाँ पर टेस्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पर पहले ले लेता हूँ, तो ताकि हमारा जो टेस्ट है वो अच्छे तरीके से देखते रहें, तो मैं यहाँ पर टेस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। तो टेस्ट ले लिया मैंने और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ फन रिडल्स, ठीक है। या फिर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रिडल, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं शुरुआत में फन रिडल या गर्ल फैक्ट या बॉयज फैक्ट, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। इसका साइज थोड़ा सा छोटा रख लेते हैं, ऊपर रख देते हैं। अब ये अच्छे से देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके बैकग्राउंड में कुछ लगा देते हैं। तो इसका जो कैनवा पर आप वीडियो को किस तरीके से एडिट करते हैं, अगर आप नहीं पता तो आप यहाँ पर आ जाइएगा और यहाँ पर आप एडिटिंग स्टार्ट कर दीजिएगा, तो आप धीरे धीरे करके आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो रख देता हूँ येलो, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और इसका जो येलो कर दिया है, ठीक है। अब ये हमारा बन चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर टेस्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पर टेस्ट लिख देता हूँ। तो टेस्ट के लिए मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और जो हमारा टेस्ट है वो हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये दिया हुआ है हमारा कैन यू क्रैक दिस, ठीक है। तो ये हम इसको, ये हुक दिया हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ हाइड। ये बॉडी दिया हुआ है, तो ये काफ़ी बड़ी बॉडी है, तो मैं ये नहीं लेता हूँ, छोटा छोटा जो है उसको मैं लेता हूँ। हार्ट हैज हैंड बट कांट क्लैप, ठीक है, ये वाला मैं ले लिया, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। इसका जो साइज़ है वो हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, मैंने ये इतना कर दिया है, ठीक है। अब ये थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जाएंगे और मैं ये पूरे के लिए ब्लैक ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने। इसका जो कलर है वो मैंने ब्लैक कर देता हूँ, इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से कर देता हूँ। और इसको लेयर पे जाके मैं सेंड टू बैकवर्ड पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं कि अब वो बैकवर्ड चला गया, तो हमारा जो ये है वो काफ़ी अच्छे तरह दिखने लग गया है, ठीक है। तो इसका जो कलर है मैं क्या कर देता हूँ कि कलर को यहाँ पर जाके मैं वाइट कर देता हूँ, तो वाइट अच्छे से दिख रहा है। इफेक्ट पर जाके मैं थोड़ा सा आउटलाइन भी लगा दूंगा, तो इस तरीके से दिखेगा, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है,
मैं यहाँ पर नन पर क्लिक कर देता हूँ और इसका जो कलर है कलर मैं ब्लैक रख लेता हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन है वो लिख दिया है। अब इसके तीन आंसर हैं, तीन आंसर को हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो पहला है क्लॉक, दूसरा ह्यूमन है, फिर हेयर है, चेयर है। तो मैं यहाँ पर क्लॉक पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर हम लोग जाएंगे और टेस्ट पर, टेस्ट पर क्लिक करके मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मैं इसको क्लॉक कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने एक ऑप्शन यहाँ पर लिख दिया है और इसी तरीके से आपको तीनों लिखने हैं, तो मैं यहाँ पर तीनों लिख लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर तीनों जो आंसर है वो यहाँ पर लिख दिया है। पहला क्लॉक है, दूसरा ह्यूमन है, फिर तीसरा चेयर है, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो अब चलिए हम इसको प्ले करके देख लेते हैं। प्ले करके देखेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, बैकग्राउंड का जो वीडियो है वो चल रहा है और ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब हमको क्या है, इसमें एनिमेशन लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये एनिमेशन का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर मैं जाके ये लिख ये दिया हुआ है टाइप राइटर, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं कि अब ये कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब धीरे धीरे लिखेगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से इन तीनों में भी एनिमेशन लग जाए, तो मैं क्या करूँगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर टाइप राइटर पर क्लिक कर दूँगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा टाइप राइटर पर और चेयर पर क्लिक करूँगा टाइप राइटर पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको ले जाता हूँ शुरुआत में और प्ले करके देख लेता हूँ। मैंने प्ले करके देखा दोस्तों, तो देख सकते हैं कि ये सभी लिख के आ रहे हैं एक साथ। मैं चाहता हूँ कि पहले ये पूरा लिख जाए, फिर उसके बाद क्लॉक लिखे, फिर उसके बाद ह्यूमन लिखे, फिर उसके बाद चेयर लिखे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इनका जो टाइमिंग है वो चेंज कर दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, क्लॉक पर जाऊंगा, क्लॉक पर जाने के बाद शो टाइमिंग दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखने लग गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको प्ले करूंगा वीडियो, तो मैंने वीडियो को प्ले कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि ये जो वीडियो है कहाँ पर कंप्लीट होता है, तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो मैं यहाँ पर क्लॉक चाहता हूँ कि क्लॉक अब यहाँ से लिखना चालू हो, ठीक है। आप देख सकते हैं, मैं फिर से प्ले करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कि पहले हमारा क्या है कि ये लिख रहा है, ये लिखने के बाद क्या है, फिर अब देख सकते हैं अब क्लॉक लिखा है, ठीक है। अब मैं इस तरीके से ह्यूमन में और चेयर में भी लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि ह्यूमन पर मैं इसे क्लिक करूँगा और यहाँ पर दिया हुआ है टाइमिंग, ये टाइमिंग आ चुका है। तो मैं ह्यूमन को इस तरीके से यहाँ पर पकड़ के इसको इस तरीके से यहाँ पर कर दूंगा और इसी तरीके से अब मैं ह्यूमन को प्ले करता हूँ। अब मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ तो देख सकते हैं कि ह्यूमन यहाँ पर लिख गया। अब मैं इसी तरीके से चेयर पर भी मैं क्लिक करूँगा, तो चेयर पर मैंने क्लिक किया और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब चलिए दोस्तों मैं फिर से प्ले करके देख लेता हूँ। मैंने प्ले किया और देख सकते हैं कि अब ये क्या धीरे धीरे करके लिख रहा है और अब यहाँ पर लिख रहा है क्लॉक, फिर उसके बाद लिख रहा है ह्यूमन, फिर उसके बाद लिख रहा है चेयर, ठीक है। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये एक के बाद एक लिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप थिंकिंग वाला इमोजी लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जो कलर वगैरह है या कलर बैकग्राउंड का जो वीडियो है, इसका जो कलर है, ठीक है, टेस्ट का कलर है, वो सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चेंज कर लीजिएगा। मैं केवल आपको एक सैम्पल दिखा रहा हूँ जिससे कि आप यहाँ पर अपने तरीके से बना सकें, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कोई भी इमोजी लगाना है तो यहाँ पर जाइएगा एलिमेंट पर और यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ कि थिंकिंग इमोजी, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति है तो थिंकिंग करता है, तो मैं यहाँ पर थिंकिंग इमोजी ले लिया, ये आ चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो थिंकिंग के इमोजी हैं, देख सकते हैं दोस्तों कि ये थिंकिंग इमोजी आ चुका है। तो मैं कोई भी यहाँ से ले लूँगा, तो मैं ये वाला ले लिया है और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, छोटा करके यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है। और अब क्या करना है कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा क्वेश्चन मार्क, तो ये वाला मैंने दिया हुआ है, ये ग्राफिक्स मैंने यूज किया हुआ था अभी ये वाला, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर मैं प्ले यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा रिडल्स है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और चलिए मैं प्ले करके देख लेता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लिख रहा है इस तरीके से धीरे धीरे करके। अब यहाँ पर तीनों आंसर तीनों ऑप्शन लिख के आएंगे, क्लॉक हो गया, ह्यूमन आ गया, चेयर हो गया, फिर यहाँ पर इमोजी बन के आ रहा है, फिर ये इस तरीके से क्वेश्चन मार्क बन के आ रहा है, ठीक है। अब कुछ समय का टाइम लेके अब यहाँ पर हमको आंसर लिखना है, ठीक है। तो आंसर लिखते समय हम चाहते हैं कि ये जो टेस्ट है ये गायब हो जाए, ठीक है, ये सब कुछ गायब हो जाए। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, इसका जो टाइमिंग है, टाइमिंग को हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर कितना मैंने कर दिया है 12, 12 के समथिंग में कर देता हूँ, 12 सेकंड का, ठीक है। तो सेम इनका भी करना पड़ेगा ताकि ये सब यहाँ पर 12 सेकंड पे आके ये बंद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको भी कर दिया है और इसका मैं क्लिक करेंगे तो इसका भी मैं टाइमिंग है जो यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। ये दो तरीके से कर सकते हैं, पहला तो आप यहाँ पर पूरा कट लगा के भी लगा सकते थे लेकिन मैं इसी में कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ये कर दिया है और इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसको भी मैं यहाँ ही तक कर दूँगा, ठीक है, और इसको भी मैं सेम यहाँ तक ही कर देता हूँ, ठीक है। अब चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर प्ले करके देख लेता हूँ, देख सकते हैं कि एक साथ सब कुछ चला गया है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर टेस्ट पर जाऊँगा, टेस्ट पर जाने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये लिख दिया है मैंने ANSWER, आंसर लिख दिया मैंने, ये आंसर को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
और इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, और जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? क्लॉक है, तो मैंने यहाँ पर क्लॉक फिल कर दिया है, ठीक है। और इसका जो कलर वगैरह है, मैं इसको जो क्लॉक लिखा हुआ है तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो कलर है वो ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। जो हमारा आंसर होता है वो मोस्टली ग्रीन होता है, तो मैं ग्रीन कर देता हूँ। और यहाँ पर जो इफेक्ट में जाके इसका जो आउटलाइन है वो इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर व्हाइट कर दिया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से दिखेगा हमारा आंसर है, वो आंसर कुछ इस तरीके से लिख के आएगा। अब इसका जो टाइमिंग है वो हमको थोड़ा सेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आंसर पे जाता हूँ, शो टाइमिंग पर मैं क्लिक करता हूँ, तो जो हमारा ये है वो इस तरह से चालू होगा इधर से, ठीक है। और जो हमारा क्लॉक है, क्लॉक पर मैं क्लिक करता हूँ, इसका भी जो टाइमिंग है राइट क्लिक करके यहाँ पर शो टाइमिंग पर क्लिक करके इसको भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आएगा। और इसमें एनिमेशन लगाना चाहता हूँ तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर एनिमेट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर पॉप वाला एनिमेशन लगा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब चलिए दोस्तों मैं शुरुआत से प्ले करके देख लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि ये इस तरीके से पूरा प्ले होके आ चुका है, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर आंसर लिख के आ रहा है और आंसर क्लॉक लिख के आ गया है, ठीक है। तो हमारा जो वीडियो है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो यहाँ पर आपका कीबोर्ड में एस होता है और एस को आप दबा दीजिएगा तो ये क्या होगा, किस तरीके से कट जाएगा, कट जाएगा तो हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ पर, आप अब हमको क्या लगाना है कि बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, ठीक है। तो आपके जो भी आप बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ, अपलोड पर जाऊँगा, ऑडियो पर जाऊँगा और ये वाला दिया हुआ इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो यह यहाँ पर आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों मैं प्ले कर लेता हूँ। इसका जो वॉल्यूम है वो आपको कम ज़्यादा करना है तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद ये दिया हुआ एडजस्ट, एडजस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वॉल्यूम अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा राइट क्लिक, तो यहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वॉल्यूम को आप यहाँ से थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक है। अब चलिए दोस्तों एक बार हम पूरा प्ले करके देख लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा कुछ इस तरीके से ये जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक बेसिक बताया हुआ है, तो यहाँ पर आइएगा, आप यहाँ पर अपना दिमाग लगाइएगा, आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, सारे टेक्स्ट के साथ खेल सकते हैं, यहाँ पर टाइमिंग के साथ खेल सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ खेल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्रिएटिविटी आप अपनी तरफ से कर सकते हैं और बहुत अच्छा जो शॉर्ट्स है उसको बना सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया कि हमारा एक शॉर्ट्स बन गया, लेकिन अब हमारा रियल मैजिक चालू होता है बल्क शॉर्ट क्रिएट करने का, क्योंकि हम लोगों ने एक शॉर्ट क्रिएट किया लेकिन हमको तो क्रिएट करने हैं बल्क शॉट, ठीक है। मतलब एक बार में कम से कम 100 शॉट या 200 या 300। तो अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है ऐप्स पे, ठीक है। ऐप्स पर आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा बल्क क्रिएशन, ठीक है, BULK बल्क आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये ऑप्शन मिलेगा बल्क क्रिएशन का, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करेंगे तो ये दिया हुआ इंटर डेटा मैनुअली, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपका टेबल खुल के आ चुका है। तो आपको यहाँ पर डेटा कॉपी करना है, ठीक है, पेस्ट करना है। तो हम जाएंगे अपनी एक्सेल शीट पर और ये हमारा जो डेटा था, हम इसको पूरे डेटा को यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पूरे डेटा को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये 300 कैरेक्टर्स यहाँ पर कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं गया यहाँ पर और ये मैंने कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सारे के सारा जो वो हमारे 30 रिडल्स हो गए हैं। अब यहाँ पर आपको चेंज करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ, अब दोस्तों यहाँ पर जो दिया हुआ है नेम वगैरह, तो यहाँ से आपको यहाँ पर आपको नेमिंग करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ, पहले क्या होगा रिडल, ठीक है, मैंने यहाँ पर कर दिया रिडल, दे दिया इसका नाम, इसका नाम हम दे देते हैं बॉडी, ठीक है। ये क्या है, बॉडी है, तो हमने इसका नाम बॉडी दे दिया। और पहला वाला क्या है, ये ऑप्शन वन है, तो मैं इसको देता हूँ ऑप्शन वन, और दूसरे वाले को दे देता हूँ कि ये ऑप्शन है टू, ऑप्शन टू। इस तरीके से आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन ही लिखना है या कुछ भी लिख सकते हैं, केवल अपने सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है रिडल, बॉडी, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री और आंसर, ठीक है। यहाँ पर नीचे डन पर हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये डन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आ चुका है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर कनेक्ट करना है डेटा को। अब जैसे कि मैं इसको प्ले करता हूँ, अब ये मैंने ऐसे किया, इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, अब ये आ चुका है। तो मैं क्या करूँगा, ये फन रिडल्स दिया हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करूँगा, ये दिया हुआ है कनेक्ट डेटा, ठीक है। कनेक्ट डेटा पर आपको क्लिक करना है, ये क्या था रिडल, तो आपको रिडल से कनेक्ट कर देना है। तो ये क्या है, जो हमारे रिडल्स में लिखा हुआ था वो सब कुछ यहाँ पर लिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो बॉडी था ये था, तो इस पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर कनेक्ट डेटा करेंगे और इसको बॉडी से कनेक्ट कर देंगे, तो ये क्या हो गया, बॉडी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो पहला क्लॉक था वो क्या था, ऑप्शन वन था, तो क्लॉक पर हम लोग क्लिक करेंगे, कनेक्ट डेटा पर क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन वन पर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से जो ह्यूमन था वो क्या, ऑप्शन टू था, तो हम उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा जो कनेक्ट डेटा है और ये ऑप्शन टू पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब इस तरीके से, अब ये चेयर था वो क्या था, ऑप्शन थ्री था, तो हम लोगों ने यहाँ पर जाएंगे कनेक्ट डेटा और ये ऑप्शन थ्री पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो ये वाला ग्रीन वाला है क्लॉक,
ये क्या था, हमारा आंसर था। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कनेक्ट डेटा पर क्लिक करेंगे और आंसर पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोगों को इतना कर देना है, करने के बाद ये दिया हुआ यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन, तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो ये सब कुछ यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब आपको जनरेट 30 डिजाइंस, ठीक है, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख के आ रहा है जनरेट 30 डिजाइंस, क्योंकि हम लोगों ने 30 यहाँ पर रिडर्स लिया हुआ था। अगर आपने 300 लिया होता तो 300 बना के देता, अगर आपने 600 लिया होता तो 600 बना के देता। मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, जनरेट 30 डिजाइंस, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपके जो 30 शॉर्ट्स हैं वो बनना चालू हो जाएंगे, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो रिडल्स है वो हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। एक साथ जो 30 हमने रिडल्स डाले हुए थे टेबल से, वो 30 रिडल्स 30 वीडियो हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर पहला वाला देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये आपका बन जाएगा। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पहला हो गया पेज वन, यहाँ पर लिख रहा है पेज वन, तो ये एक पहला शॉर्ट वीडियो हो गया। अब दूसरा वाला शॉर्ट वीडियो ये वाला हो गया, ठीक है। अब ये दूसरा वाला स्टार्ट होगा। देख सकते हैं दोस्तों कि ये पहला वीडियो हो गया, ये दूसरा वीडियो हो गया, और इसी तरीके से यहाँ पर आप स्लाइड करके देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके 30 आपने दिए हुए थे, 30 के 30 यहाँ पर बन के तैयार हो चुके हैं, ठीक है। और हो सकता है कि किसी में आपका जो टाइमिंग है, टाइमिंग का थोड़ा सा डिफरेंस हो, तो आपको वो एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाएंगे शेयर पर जाएंगे, शेयर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ऑल पेजेस यहाँ पर डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऑल डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो 30 शॉर्ट हैं वो एक वीडियो बन के आपका तैयार हो जाएगा। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पर हम लोगों को पेज वन को यहाँ पर एक बार डाउनलोड कर लेना है, कि हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला शॉर्ट है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर हमारा जो पहला शॉर्ट है वो डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पर हम फिर से जाएंगे, शेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अब हम यहाँ पर केवल 2 सेलेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा शॉर्ट है वो हमारा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप जितने भी शॉर्ट हैं उनको एक एक करके आपको डाउनलोड करना होगा। अगर आप एक साथ डाउनलोड कर लेंगे तो क्या होगा कि वो एक फुल वीडियो एक बन जाएगा। तो ये दूसरा वाला वीडियो डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों और जब तक ये डाउनलोड हो रहा है जब तक हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये डाउनलोड कर लिया है, 4 वीडियो यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है, 2 वीडियो पहले डाउनलोड कर लिए थे, 2 वीडियो अभी मैंने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। अगर इनको देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों कि इस तरीके के ये बन चुके हैं, ठीक है। अब इनको आपको अपलोड कैसे करना है, तो आपको क्या करना है कि आपको यूट्यूब पर जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर यूट्यूब पर सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। सो गाइस मैंने यहाँ पर यूट्यूब ओपन कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपने जो अपना यूट्यूब चैनल है वो बना लिया होगा। सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। आपका यहाँ पर जीमेल आईडी से लॉगिन होगा, यूट्यूब यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर क्रिएट, जैसे व्यू योर चैनल पर आ रहा है इसी तरीके से आपका क्रिएट योर चैनल पर आएगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपका जो चैनल है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये जो वीडियो है वो अपलोड कर देता हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है एक सैम्पल वाला, तो मैं यहाँ पर प्लस पर मैं क्लिक करता हूँ, अपलोड वीडियो पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये आ चुका, अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से अब मैं जाऊँगा डाउनलोड वाले फोल्डर पर। तो देख सकते हैं कि मैं डाउनलोड पर चला गया हूँ, ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं एक बार में सारे अपलोड करना तो एक बार में सारे अपलोड कर सकते हैं, एक एक करना चाहते हैं तो एक एक भी कर सकते हैं। तो मैं एक बार में सारे ही अपलोड कर देता हूँ, ओपन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो एक बार में आप यहाँ पर 50 आपके पास शॉर्ट हैं या 100 शॉर्ट हैं वहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ये सारे के सारे अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। अब अपलोड होने के बाद दोस्तों अब हमको क्या चाहिए कि इनका टाइटल लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हम लोग गए और जैसे कि ये दिए हुए हैं, अब इनका क्या है, टाइटल लिखा हुआ है, इनका डिस्क्रिप्शन भी होता है और टैग भी होता है। टैग होता है जैसे कि हमारा कोई भी सर्च करेगा तो हमारा जो शॉर्ट वीडियो है वो रैंक करेगा। तो इसके लिए भी हम लोग हेल्प लेने वाले हैं चैट जीपीटी की। तो चैट जीपीटी के पास जाएंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग चले जाते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं चैट जीपीटी के पास। अब मैं यहाँ पर उसको कमांड दूंगा, ठीक है। तो आपको कैसा कमांड देना है, ये कमांड है, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लीजिएगा, ये दिया हुआ है, मैंने लिखा हुआ आई नीड योर हेल्प इन क्रिएटिंग ए कैप्टिव टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड टैग फॉर यूट्यूब शॉर्ट, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको लिख देंगे, मैंने केवल ये लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पर सेंड कर दिया। मैंने केवल उसको बताया हुआ है कि मेरे लिए, मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए टाइटल डिस्क्रिप्शन और टैग लिख के दे दीजिएगा, ठीक है। तो उसने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसने जो टैग दिया हुआ है वो हैशटैग लगा के दिया हुआ है, अपर टैग में यहाँ पर कॉमा लगा के डाले जाते हैं। तो मैं क्या लिख देता हूँ, राइट टैग्स विदाउट हैशटैग, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया है, तो ये क्या, ये जो लिखे हुए हैं ये हैशटैग लगा हुआ है, जैसे कि किसी ने हैशटैग रिमूव कर दिया, ठीक है।
तो हमको यहाँ पर जो टाइटल है, टाइटल इसने दे दिया है कैन यू सॉल्व दिस माइंड ब्लोइंग रिडल्स, और डिस्क्रिप्शन ये दे दिया, और यहाँ पर टैग है वो टैग ये दे दिया। तो हम क्या करेंगे, अब जाएंगे हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर, ये आ चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग ये दिया हुआ है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि मेरे ऑलरेडी यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पर सेटिंग में अपलोड करके रखा हुआ था, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे लिखना है टाइटल, तो टाइटल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, किधर पे हम लोग जाएंगे, चैट जीपीटी, तो ये चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी ने यहाँ पर मेरे जो टाइटल लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर लिखना है डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इसने ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब नीचे हम लोग जाएंगे, सो मोर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है टैग, ठीक है, तो ये टैग हमको यहाँ पर फिल करना है। तो मैं ऐड टैग्स पर जाऊँगा, और यहाँ पर जो हमारे लिए टैग्स लिखे हुए हैं चैट जीपीटी ने, तो ये हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यह यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर टाइटल फिल कर देना है, डिस्क्रिप्शन फिल कर देना है, और यहाँ पर आपको टैग फिल कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट पर हम लोग क्लिक कर देंगे, ये नेक्स्ट पर हम लोग क्लिक कर देंगे, फिर नेक्स्ट पर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर अगर आप इसको अभी पब्लिक करना चाहते हैं तो ये पब्लिक का ऑप्शन है, पब्लिश कर देंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा। अगर आपने एक साथ बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, जैसे कि बहुत सारे शॉर्ट्स मैंने इनको किया हुआ है, तो मैं इसको शेड्यूल करना चाहता हूँ, तो जैसे देखिए पब्लिश का ऑप्शन है, शेड्यूल करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि आज है 14 तारीख, मैं करना चाहता हूँ 14 तारीख, और जैसे कि यहाँ पर टाइमिंग दिख रहा होगा आपको, तो 3:43 हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि ये 15 तारीख को आए, और यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं कर देता हूँ कि ये 11:30 सुबह आ जाए, तो मैं इस तरीके से ये कर दूंगा, ठीक है। तो ये शेड्यूल हो गया, जैसे कि एक साथ आपने 10-12 वीडियो, 20 वीडियो, 50 वीडियो एक बार साथ अपने आप किए, और आप चाहते हैं कि डेली का एक शॉट या दो शॉट आते रहें, तो इस तरीके से उनको शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल पर जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, शेड्यूल हो जाएगा, जैसे कि ये शेड्यूल हो चुका है, वीडियो शेड्यूल, ठीक है, तो क्लोज पर आप क्लिक कर दीजिएगा। सो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर शेड्यूल कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ट्राई करता रहता हूँ, इसलिए मैंने और भी वीडियो को अपलोड किया हुआ था, और देख सकते हैं कि जो वीडियो मैंने अभी अपलोड किया हुआ है वो ये वाला आ चुका है, ठीक है। जो और 4 वीडियो हैं वो यहाँ पर आपको फिल्टर लगाना है, विजिबिलिटी पर क्लिक करना है, ड्राफ्ट पर क्लिक करना है, अप्लाई पर क्लिक कर देना है। सो गाइस जो भी वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। ये यहाँ पर उर्फी जावेद इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर सेटिंग पर जाएंगे, सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे अपलोड डिफॉल्ट्स पर, और देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर टाइटल वगैरह है वो अपलोड मैंने डिफॉल्ट में कुछ फिल करके रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने पहले जो उर्फी जावेद के शॉर्ट्स थे वो अपलोड कर रहा था, इसलिए डिफॉल्ट में किया हुआ था। अगर मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा तो अब मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें क्या होगा, कुछ भी लिख के नहीं आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग अपना टाइटल वगैरह कर सकते हैं, तो इसको आप ओपन कीजिएगा, ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आप टाइटल फिल कर दीजिएगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और टैग फिल कर दीजिएगा, इसको भी शेड्यूल कर दीजिएगा। इस तरीके से आप एक साथ बहुत सारे वीडियो हैं उनको शेड्यूल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर इस तरीके का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद दोस्तों आप इस तरीके जो शॉर्ट्स हैं एक साथ आप बल्क में क्रिएट कर लीजिएगा, किस तरीके से हम लोग क्रिएट करेंगे, किस तरीके से हम लोग स्क्रिप्ट लिखेंगे, किस तरीके से बल्क में क्रिएट करेंगे कैनवा से, वो भी समझ में आ चुका होगा। किस तरीके से यूट्यूब पर अपलोड करना है वो भी समझ में आ चुका होगा। बस अब आपको क्या करना है कि एक साथ बना लीजिएगा और फिर उनको अपलोड कर दीजिएगा, फिर आपको वेट करना है, ठीक है। वेट करेंगे तो आपका धीरे धीरे आपका जो चैनल है वो ग्रो होने लग जाएगा, फिर आपका जो रेवेन्यू है वो भी इस तरीके से जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वो भी इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी शुरुआत में आपका जो रेवेन्यू है वो हो सकता है कि कुछ कम आए, मतलब $100 $200 आना चालू हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद अगर आप यहाँ पर इसको टाइम देते हैं, प्रॉपर काम करते हैं, तो देख सकते हैं कि आप भी यहाँ पर अपना जो चैनल है वो बना सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर $10,000 तक की आपकी इनकम हो सकती है पर मंथ, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो को बनाने में काफी समय लगता है, काफी रिसर्च लगता है, तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में इसको शेयर कर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सभी कमेंट को पढ़ता हूँ, सभी का रिप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर मैं और भी ऐसे वीडियो लाने वाला हूँ जिससे कि आप यहाँ पर अपनी पैसिव इनकम कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन अर्निंग कैसे करेंगे, इस तरीके के वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। सो गाइस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान, थैंक यू।